मारवाही विधानसभा उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को अजीत जोगी के गृहग्राम जोगीसार पहुंचे। सभा में सीएम बघेल ने रमन सरकार पर निशाना साधते हुए उनके 15 साल के कार्यकाल की तुलना अपने 22 महीनों के कार्यकाल से की। सभा के दौरान भूपेश बघेल मंत्रिमंडल के करीबन आधा दर्जन सदस्य मौजूद थे। जोगीसार में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अपने 15 साल के कार्यकाल में रमन सिंह कभी जोगीसार नहीं आए। एक तरफ रमन सिंह के 15 साल की सरकार तो एक तरफ हमारे 22 महीने की सरकार है। राज्य शासन के पुलिस विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 7 पुलिस कर्मियों को शौर्य पदक देने की घोषणा की गई है। इन सभी को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर के अवसर पर सीएम हाउस में आयोजित सम्मान समारोह में शौर्य पदक दिया जाएगा, जिसमें निरीक्षक मोहसिन खान जशपुर, उप निरीक्षक जितेंद्र एसएस सुकमा, सहायक उप निरीक्षक गणेश कामरकार, बीजापुर प्रधान आरक्षक रामलाल कश्यप दंतेवाड़ा, प्रधान आरक्षक कुटुमत राव दंतेवाड़ा, आरक्षक देवा आनंदन बीजापुर, आरक्षक गोपी इस्ताम दंतेवाड़ा का नाम शामिल है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में आज थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। कल जहां एक दिन में करीब 40,000 केस आए थे, वहीं आज करीब 50,000 कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि 517 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि देश में कोरोना से मौत की दर लगातार घट रही है, अब मृत्यु दर 1.5% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के कुल 80,40,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 73 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 6 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं जिनका इलाज जारी है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में जबरदस्त उछाल जारी है। इसी बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर के संकेत भी दिए हैं। बता दें कि बुधवार को दिल्ली में पहली बार 24 घंटे के अंदर 5,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 24 घंटे के लिहाज से अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,70,000 से पार हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनावों के बीच मुंगेर शहर में अशांति फैल गई है। गुरुवार को शहर में फिर से हिंसक घटना हुई, नाराज लोगों ने आगजनी भी की। गुस्साए लोगों ने पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शन किया, इसके बाद पूरब सराय थाने में आग लगा दी, जिसके बाद डीआईजी मनु महाराज ने खुद शहर में मोर्चा संभाला। इस बीच कांग्रेस ने मुंगेर में फिर भड़की हिंसा पर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। फ्रांस के नीस शहर में चर्च के बाहर चाकू से हमलावर ने कई लोगों को निशाना बनाया है। हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि फ्रांस के नीस में चाकू से किए गए हमले में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। फ्रांस पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। हमलावर ने अकेले ही घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि हमले की वजह स्पष्ट नहीं है। यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब फ्रांस में आतंकवादी हमले को लेकर पहले ही अलर्ट जारी हो चुका है। पाकिस्तान ने कबूल किया कि पुलवामा आतंकी हमले में उसका ही हाथ था। यह सबूत भारत सरकार के पास पहले से ही है, लेकिन अब पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने संसद में कहा कि पुलवामा हमला इमरान खान सरकार की बड़ी कामयाबी है। बता दें कि पिछले साल 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर विस्फोटकों से भरी गाड़ी के जरिए आतंकी हमला किया गया था और इस हमले में देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने आईडी से भरी कार को सेना के काफिले से भिड़ा दिया था।